पीएम सर से सवाल ये है कि जैसे हम कभी प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठते हैं तो आता है, जैसे कभी टफ प्रॉब्लम लाइन में तीन चार आ जाती है, तो एक तो चलो छोड़ दिया, फिर दो छोड़ दिया, फिर तीन छोड़ दिया, लेकिन ऐसे छोड़ते जाते हैं, फिर मोटिवेशन डाउन हो जाता है और पूरा दिन ही खराब चल जाता है, तो इसको कैसे मैनेज करें? बेटा देखो, सीधी सी बात है, हम जब कोई कंसेप्ट बिल्डिंग कर लेते हैं तो अपने को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम मत बोलो, क्वेश्चन ट्राई करें। और एक क्वेश्चन, जब हम नॉर्मल अपने अपने रूम पे पढ़ाई को चेक कर रहे हैं, खुद का एवोल्यूशन कर रहे हैं, सेल्फ एवोल्यूशन एक्सरसाइज में चल रहे हैं, तो वहाँ उससे लर्निंग की आदत डालो। एग्जाम में तो टाइम लिमिट है, आपको एग्जाम के हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करनी, वो अलग बात है, लेकिन अपने रूम पर जहाँ अपने को चेक कर रहे हो, सेल्फ स्टडी के हिसाब से चेक कर रहे हो, कंसेप्ट बिल्डिंग हुई कि नहीं उसको चेक कर रहे हो, वहाँ क्वेश्चन से लड़ने की आदत रखो, फाइटिंग नेचर रखो। क्वेश्चन एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार ट्राई करो, दूसरी नहीं तीसरी बार ट्राई करो, ट्राई करने की आदत डालो, पीछे पढ़ने की आदत डालो, और जब ऐसा करोगे तो निकलेगा जरूर। और आपने बचपन की पढ़ाई भी याद करो, कभी ऐसा किया होगा तो पहले भी ऐसे क्वेश्चन निकलते होंगे, हमसे हो जाते होंगे, और जब होने के बाद अंदर जो डेवलप होता है कॉन्फिडेंस, वो क्या गजब का आपको बूस्टअप करता है, क्या मोटिवेट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ मोटिवेशन, कि कभी डिमोटिवेट नहीं होगे, जब आपको लगा ये क्वेश्चन मैंने यहाँ कर लिया है तो एग्जाम में भी कर लूंगा। ये मैं बोलने में आपको समझा रहा हूँ, हो सकता है समय लग रहा है, लेकिन जब आपके ऐसे क्वेश्चन आपसे निकलने लग जाएंगे तो वो जो कॉन्फिडेंस जो कि मार्केट से कहीं खरीद सकते, वो आपको अपने सातवें आसमान पर रखेगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, आपको लगेगा यार जीत की तैयारी चल रही है, पढ़ाई नहीं। कोई बोले क्या तैयारी किससे चल रही है, बोले जीत की तैयारी चल रही है, इंतजार कर रहे हैं टेस्ट का, एग्जाम का। तो ये तरीका लगाइए, और कभी मत सोचिए आप एग्जाम देने जा रहे हो, वहां पेपर के अंदर कोर सिस्टम भी होता है, वहां आपके हो सकता है कि चार पांच क्वेश्चन पहले पेज पे ऐसे आ जाए जो आपका टॉपिक छूटा हुआ हो, या जिससे आप घबराते हो, अच्छा तो ये तो आना ही नहीं चाहिए, इसके तो क्वेश्चन आने ही नहीं चाहिए, वही आ जाए। तो ध्यान रखना, कभी भी एक छोटा सा क्वेश्चन या एक पेज पे लगे चार पांच क्वेश्चन कभी आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकते। वहां तो हटा सावन की घटा, पन्ना पलटा और देखा कहाँ अपना इंटरेस्टिंग जोन है, वहां से स्टार्ट किया, क्योंकि वहां भी इंपॉर्टेंट है वेल बिगेन हाफ डन, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। इसलिए इसका ध्यान रखो, क्वेश्चन से लर्निंग की आदत ऐसे होनी चाहिए, क्वेश्चन कम करो तो भी गम मत करो, लेकिन जो करो अपने दम पर करो, और इस बात का हमेशा दम भरो, फिर आपका हमेशा विश्वास, आत्मविश्वास एक अलग उड़ान पर होगा। और कहते जब आत्मविश्वास उड़ान पर होता है तो हम अपनी सोच से भी ज्यादा कर जाते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।